तो ये हो गया आपका पूरा स्क्रीन हो गया, ये आपका लॉक स्क्रीन है। लॉक स्क्रीन मतलब जनरली क्या होता है, मैक्सिमम टाइम देखा होगा पेशेंट के जो रिलेटिव आते हैं वो स्क्रीन को छेड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए इसको लॉक स्क्रीन। अगर आप इसको प्रेस कर दोगे लॉक काम नहीं करेगा, ठीक है। ये देखिए कोई इसको छेड़ नहीं पाएगा, काम कर रहा है नहीं। लेकिन अगर कोई भी हायर अलार्म जनरेट हुआ, जस्ट लाइक लो एयर प्रेशर, लो प्रेशर, मतलब अभी ये सब अलार्म क्या है, येलो में है, अगर कोई भी रेड अलार्म आया तो ये ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा। क्लियर? सक्शन आपने समझ लिया, मैनुअल इंस्पिरेशन फॉर डूइंग द चेस्ट एक्सरे, दैट इज योर मैनुअल इंस्पिरेशन। इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी को सेम चेस्ट, जैसे आपको अगर इंस्पिरेटरी को होल्ड करना है ड्यूरिंग द चेस्ट एक्सरे तो आप इंस्पिरेटरी को होल्ड कर सकते हो। ये दो का स्विच का कोई कंसर्न नहीं है, ये सिर्फ टेक्निकल के लिए, हमारे पासवर्ड के लिए है, इसलिए इसका कोई यूज नहीं है। आपके सिर्फ यूज एक दो तीन, बाकी सब है ये दो यूज नहीं, बिकॉज दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पासवर्ड, ठीक है। ये अलार्म लिमिट्स है, ऑर्डली अलार्म लिमिट्स हमने यहाँ सेट करके रखी, इसलिए इसको हम कभी भी यूज नहीं करते, ठीक है। सेम है जो ऑर्डली ऊपर दिए हुए हैं, ठीक है। तो दिस इज योर अलार्म, और एक पॉज, जो अलार्म की व्यवस्था है तो आप उसको 30 to 60 seconds उसको बंद कर सकते हो, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। तो ये पॉज है। देन ये देखिए इसमें तीन अलार्म्स लिमिट है, वेंटी इनऑपरेटिव, हाई मीडियम एंड लो। अगर मशीन में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आया तो पहला लाइट जलेगा। मशीन में कोई भी हायर प्रायोरिटी अलार्म, मतलब आपका ऑक्सीजन फेल हो गया, आपका एयर फेल हो गया, आपका लो प्रेशर है, हाई प्रेशर है, ट्यूबिंग किंक हो गया, तो आपका ये हायर का अलार्म बजेगा। और जितने भी लो प्रायोरिटी अलार्म है सब एलो में। तो लो प्रायोरिटी में क्या आता है, ब्रीथ हाई ब्रीथ लो, सब उसमें लो प्रायोरिटी। लेकिन हाई प्रायोरिटी में आएगा लो एयर प्रेशर, हाई लो ऑक्सीजन प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर। ये चार जब अलार्म आते हैं तो ये हाई बजता है। मशीन में टेक्निकल कोई भी खराबी होती है तो ये पहला बजता है और मशीन ऑन ही नहीं होती है, इनऑपरेटिव, ठीक है। तो दिस इज बेसिक अबाउट अवर वेंटिलेटर, टच स्क्रीन है, डिकोडर ना ऑपरेट, बाकी ये सब आपको मैंने समझा दिया। ये ओटू सेंसर है, एक्सपिरेटरी वॉल है, P1 P2 है, प्रोफेशनल सेंसर्स है, फ्लो सेंसर्स है, बस इसमें और कुछ नहीं है। इसके अलावा आपको और कुछ पूछना है तो लेकिन हाँ आपको थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा, एटलीस्ट बेसिक पे चलो मोड्स में मत जाइए, ऑपरेटिंग में मत जाइए, लेकिन सर को सपोर्ट करने के लिए आपको बेसिक चीज़ें आना चाहिए। फर्स्ट वेंटिलेटर आपको चेक करना आना चाहिए, वेंटिलेटर कैलिब्रेट करना आना चाहिए, बेसिक थिंग्स ऑक्सीजन कितना सेट करना है वो आना चाहिए, जो भी सर को हेल्पिंग चाहिए वो आपको आनी चाहिए। आप जब तक आप उसको हैंड्स ऑन नहीं करोगे नहीं आएंगे। अभी आप थोड़ा कॉन्फिडेंस हो गया, चलो मैं मान लूँगा 10% अभी कॉन्फिडेंस हो गया, इसको ऑपरेट कीजिए, ऑपरेट कीजिए, और जहाँ आप फंसोगे उसके लिए मैं 2 साल तक टेंशन दीजिए, आपको कभी भी मैं सर्विस दूंगा, आप मेरे 24/7 कीजिए, कोई इशू नहीं। लेकिन क्या जब आप मेरे को कॉल करोगे तो मेरे को भी बेसिक आइडिया मालूम होना चाहिए कि आप कहाँ फंस रहे हो, और आपको बेसिक ही नहीं आया तो मैं भी आप क्या डॉक्टर भी आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे। जैसे हम कभी पूछेंगे कि क्या मैसेज आ रहा है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि आप क्या फेस कर रहे हो, तो हम आपको इमीडिएट सॉल्यूशन देंगे। जैसे हम आपको बोलेंगे सर टच काम नहीं कर रहा, तो हम आपको पहले क्या पूछेंगे, मैडम आपने ऑक्सीजन कनेक्ट किया है, हम पहला क्वेश्चन वो पूछेंगे। सेम लो एयर प्रेशर मैसेज आ रहा था, मैडम मुझे लो एयर प्रेशर आ रहा है, मैडम आपने कंप्रेसर ऑन किया है क्या, सर ऑन किया है, पीछे से एयर लीक है क्या, ओके, देन हम बोलेंगे नहीं ठीक है इसमें टेक्निकल इशू, लेकिन बेसिक आपको आना चाहिए। कैलिब्रेशन ये तो अभी कोई डाउट नहीं है, ये क्या है, कैसे कनेक्ट करना है, उसमें कोई इशू नहीं है, ये तो क्लियर हो गया। तो दो टेम्परेचर सेंसर क्यों है, इसको क्या बोलते हैं, इसके कितना वाटर को मेंटेन करना है। दूसरा इम्पोर्टेंट अभी मेरा एक क्वेश्चन आपको है, ये अभी समझ पानी कम हो गया, मैंने आपको लेवल बताया था, आपने 72 घंटे से आप पेशेंट को यूज कर रहे हो, अब मुझे इसको रिफिल करना है, कैसे करोगे? पानी तो डालोगे, कैसे डालोगे, मशीन तो चालू है, आप मशीन खोलोगे नहीं, फिर ड्रिप ले आईवी सेट से, आईवी सेट के द्वारा डाल, कैसे डालोगे आईवी सेट, सभी तो पूछो,
ठीक है, इम्पोर्टेंट चीजें ये है, ये हमारे साथ हुआ है, बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है, पेशेंट एक्सपायर हो गया, एक नर्सिंग स्टाफ थी उसको कुछ नहीं मालूम था, पूरा मशीनरी डिसमेंटल कर दी। तो ये है, तो मतलब इसलिए आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि क्या आपको करना है, क्या नहीं। अगर आपने पेशेंट पे वेंटिलेटर लगाया है तो बिना आपने सुपीरियर के उसको छेड़ना नहीं है। इवन हम भी, भले मशीन में कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर मशीन पेशेंट पे है तो हम उसको हाथ नहीं लगाते जब तक आपको सुपीरियर आपको परमिशन नहीं देते। बी नोटेड दिस, अगर मशीन में कुछ प्रॉब्लम है पेशेंट पे लगा हुआ है उसको छेड़ना नहीं है। आपको अपने सुपीरियर पे कॉल कीजिए, जो जिस कंपनी के इंजीनियर उनको कॉल, लेकिन मशीन को डिसकनेक्ट मत कीजिए, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप इसमें हैं तो आप सीलिंग से इसमें पानी रिफिल कर सकते हो। जब नया आपका पेशेंट, आप नया फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो इसको चेंबर को बाहर निकालिए, अब इससे डायरेक्ट आप पानी भर सकते हो। आपने पेशेंट को लगा दिया है सीलिंग से, 50 ml सीलिंग से आप निकाल के इसको रिफिल बार बार कर सकते हो, ठीक है। डिसकनेक्ट नहीं करना, ठीक है, क्लियर। मेक श्योर दैट कि आपके पूरे कनेक्टर प्रॉपर हो, आप अलार्म अच्छे से देखें, सब कुछ देखें, और मैक्सिमम देखिए मशीन को वॉच कीजिए, मशीन में क्या हो रहा है। जैसे ये येलो है, ठीक है, आप येलो को निगलेक्ट कर सकते हो, रेड को कभी भी निगलेक्ट नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि रेड अलार्म आ रहा है, कॉल योर सुपीरियर, ये रेड क्यों आ रहा है, क्या ऑक्सीजन फेल हो गया है, एयर फेल हो गया है, लो प्रेशर है, हाई प्रेशर है, ट्यूबिंग किंग हो गया है, सिक्रेशन है, क्या, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लो प्रेशर हाई प्रेशर बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पेशेंट उतना एफर्ट नहीं कर पा रहा इसलिए वो प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, पेशेंट का ट्यूबिंग में किंकिंग आ गया, सिक्रेशन हो गया इसलिए वो हाई प्रेशर आ रहा है, सर्किट ब्लॉक हो गया, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। इसलिए रेड को कभी भी अवॉइड नहीं करना है। अगर ये रेड बजता है तो चेक करना है कि रेड क्यों बज रहा है, क्या रीजन है, क्या आपके स्क्रीन पे मैसेज आ रहा है, पढ़िए उसको, लो प्रेशर है तो क्यों लो प्रेशर है, हाई प्रेशर है तो क्यों हाई प्रेशर है, लो एयर प्रेशर है कि आपका कंप्रेसर बंद हो गया है, कि आपका ऑक्सीजन का लाइन प्रेशर कम हो गया, तो सब कुछ आपको चेक करना है व्हेन यू गिव द हाई अलार्म, ठीक है। ये आपके ये है, आपको और कुछ पूछना है आप बिंदास पूछ सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस।